क्लास नाइन लेसन नंबर सेकेंड इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज। और नेक्स्ट ऑप्शन आर स्टोरेज, दीज आर द स्टोरेज यूनिट इन योर सिस्टम, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट इज द मेमोरी वेयर यू स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स, डेटा एंड फाइल्स। दीज आर द डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, दीज टू आर ऑप्टिकल डिस्क वेयर यू सेव योर डेटा परमानेंटली। दीज आर द नॉन वोलाटाइल मेमोरी वेयर यू स्टोर योर इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, एक होता है डिस्क और दूसरा होता है डीवीडी। ये आपने देखा होगा डिस्क और डीवीडी होते हैं, इससे से सर्कल होते हैं, बीच में होल होता है और ये इस पर लिखा होता है इंफॉर्मेशन। ओके, इस पर जो है लेजर रेस से, लेजर रेस की सहायता से इस पर चीजें लिखी होती हैं सर्कल में। जितना लिखा जाएगा उतना इस पर सर्कल में, एक सर्कल बना, एक सर्कल, दो सर्कल, इस तरह से सर्कल फाइव जैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये जो लिखा जा रहा है उसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे वो गड्ढे बनाए जाते हैं और जहाँ पर गड्ढे बन गए वो जीरो हो गए और अदर वन हो गए। इस तरह से जीरो और वन डिफाइन होता है, जहाँ पर गड्ढा हो गया वो जीरो हो गया, बाकी जगह वन हो गया। इस तरह से लेजर से उस डिस्क में छोटे छोटे बनाए जाते हैं और उस तरह से जीरो और वन के रूप में इंफॉर्मेशन इसमें सेव। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये आपको डिस्क जो होता है सीडी में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसे उनमें जो जो भी चीज़ें स्टोर हैं बार बार कंप्यूटर उसमें से रीड करता है। ठीक है, तो देयर फॉर इट इज नॉट रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नाउ डीवीडी, डीवीडी भी सीडी का ही फॉर्म है, इसमें जो चीज़ें हैं वो पास पास लिखी जाएंगी। ये जो है जीरो वन जो लिख रहे हैं वो बहुत पास पास लिखे जाएंगे इन्फॉर्मेशन। इसकी कैपेसिटी क्या होगी अगर देखते हैं तो दोनों एक ही तरह लगेगा, लेकिन कैपेसिटी जो होगा पास पास में से ज़्यादा चीज़ लिख लेंगे, कोई कॉपी में है दूर दूर चीज़ें लिख रहे हैं तो कम चीज़ें आएंगी, यदि आप पास पास लिखेंगे सारे वर्ड तो ज़्यादा कंप्लेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो डीवीडी में सब चीज़ें पास पास होती हैं, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इट इज अराउंड 4.7 GB, इसकी कैपेसिटी 700 MB। ओके, 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB। ठीक है, तो ये 1 GB से भी कम है, इट इज 4.7 GB और ये कितना है, ये 0.7 GB होगा, इसे समान करें तो 0.7 GB होगा, तो 0.7 GB है और ये 4.7 GB। ठीक है, इस चीज़ इस तरह से ऑप्टिकल डिस्क आपका होता है उसमें चीज़ें स्टोर होती है। ठीक, नेक्स्ट स्टोरेज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में होता है जिसमें कि सबका सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 7 है, विंडोज 10 है वो रहता है, उसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो सब हार्ड डिस्क में जा करके सेव होती है, जो भी एम एस वर्ड है, पावर पॉइंट है, वो सब भी हार्ड डिस्क में ही होता है। हार्ड डिस्क का कंस्ट्रक्शन देखिए क्या होगा, हार्ड डिस्क जो होती है वह इससे फिगर आपकी कॉपी में दिया होगा, जो हार्ड डिस्क है इसमें ओपन किया होगा, इसे प्लेट लगी होगी, ये उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दो या तीन प्लेट होती हैं और ये हेडर होता है। ठीक है, ये हेडर होता है और जो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर भी राइट होता है और नीचे भी राइट होता है, और ये आपका हेडर है जो कि इन्फॉर्मेशन से पढ़ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जो लिखा गया है वो सर्कल के रूप में ऐसे लिखा गया है, अदर में सर्कल के सर्कल। ठीक है, एक सर्कल उसके बाद एक बाहर सर्कल है, उसके बाहर एक और सर्कल है, इस तरह से सर्किट के रूप में इंफॉर्मेशन इस तरह से स्टोर होता है। एक पहला सर्किट पर हो गया, दे आर कॉल्ड ट्रैक, कई ट्रैक होते हैं। ठीक है, इसको आप देखेंगे ऊपर से तो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन हेडर जो होता है आपका, ये ऐसे ये यहाँ पर पड़ रहा है इंफॉर्मेशन पे और ये इस आगे पीछे हो रहा है, ये जो होगा वो पूरा पूरा सिस्टम जो है ऐसे ऐसे एक साथ सभी आगे पीछे होते रहते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत आगे पीछे होकर के ट्रैक ही बदल देगा, ट्रैक कर देगा और ये जो होगा ये घुमाया घूमता रहता है, ये जो डिस्क है ये स्पाइडर जो है बीच में जो सपोर्ट है
एक घुमाने के लिए बहुत तेजी से घूमता है, एक घूमेगा नेक्स्ट तो क्या होगा, सारे पॉइंट्स पर आ जाएगा, सभी पॉइंट्स को पढ़ सकता है और ये आगे पीछे करेगा तो अपना ट्रैक चेंज कर सकता है, ये ट्रैक चेंज करेगा और ये डिस्क जो है वो घूम रही है, ये घूम रही है सभी पूरे ट्रैक की इन्फॉर्मेशन आपको घूम करके इसमें रीड कर लेंगे और ट्रैक चेंज करने के लिए इसको आगे और पीछे होना पड़ता है और दिस इज कॉल्ड और आर्म जो है वो आगे और पीछे होती रहती है, ठीक है, तो चेंज द ट्रैक और ट्रैक को पूरा पढ़ने के लिए दिस इज रोटेटिंग इन सर्कल, यहाँ पे एक मोटर होती है जो स्पाइडर को घुमाती रहती है और आर जो है आगे पीछे होते रहते हैं, इस तरह से हर लेयर के ट्रैक्स को पढ़ाया जाता है आगे, जो भी प्लेट्स है वह आपको एयर इसको जो है ये चारों तरफ से बंद होता है, ठीक है, जैसे कि आउटर एयर जो है वह इंटर नहीं कर सकती है, कोई डस्ट इंटर नहीं कर सकता है, जैसे गाड़ी बहुत तेज स्पीड कर रहा है इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना है, एयर पैक होता है, ठीक, एयर पैक होता है जिससे जो है वो पैक होती है अंदर सिस्टम, इस तरह से आर डिस्क आपका काम करता है। इसमें तो डिस्क में तो छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं लेजर्स में, इसमें जो लिखने का सिस्टम है वो गड्ढा नहीं बना हुआ है, इसमें आपको मैग्नेटिक मटेरियल की टेस्टिंग होती है, मैग्नेटिक डिस्क होता है या ऑप्टिकल डिस्क है, ये मैग्नेटिक डिस्क है, इस पर जो भी चीज़ें हैं वह मैग्नेटिक मटेरियल पर लिखी गई है, जैसे कि आपने टेप देखा होगा ब्राउन कलर का जो टेप होता है ऑडियो और वीडियो का जो कैसेट आते हैं आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, उसे ब्राउन कलर का जो पन होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं वह मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इस तरह से मैग्नेटिक डिस्क भी होता है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपकी हार्ड डिस्क काम करते हैं, हार्ड डिस्क को साथ में एल भी करते हैं या हार्ड डिस्क ड्राइव एच डी टी लिखते हैं, इनके अलावा कुछ और भी मेमोरी है जैसे कि पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें कि इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, पेनड्राइव इस तरह का होता है आपने देखा होगा, पेनड्राइव ये यूएसबी पोर्ट होता है, इस पोर्ट इज कॉल्ड यूएसबी पोर्ट, यूएसबी यूएसबी पोर्ट कनेक्टर इज कॉल्ड पोर्ट यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, फुल फॉर्म इज यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी पोर्ट, ठीक है, इस तरह से पेनड्राइव में चीजें जो है 1 GB से लेकर के 64 GB तक स्टोर हो सकती है। सिमिलरली एक और होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फॉर्म में मेमोरी स्टिक जो होता है वो कैमरे वगैरह में यूज होता है, इस तरह का एक मेमोरी होती है छोटी सी जिसको भी मोबाइल वगैरह में भी आप यूज करते हैं, है ना, 32 GB की 64 GB की एक्सटर्नल मेमोरी, तो मेमोरी स्टिक ये भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसके अंदर ये भी फ्लैश मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फ्लैश मेमोरी चीजें इसमें जो है वह स्टोर होती है, जैसे पेनड्राइव में स्टोर होती है, जैसे तो सही दिस इज यूज इन मोबाइल एंड लैपटॉप, इज यूज इन मोबाइल एंड लैपटॉप, ठीक है, इट इज यूज इन मोबाइल एंड लैपटॉप, these are the storage available in your computer system where you store your data permanently, these are the secondary memory in your computer system.